आई थिंक वरुण बीइंग वेरी काइंड और लेकिन मेरे लिए फिटनेस एक रिलीजन है. मैं हमेशा कहता हूँ कि आज के तारीख में वे रिलीजन रूल्स द वर्ल्ड, फॉर मी फिटनेस इज़ द ओनली रिलीजन. और इन माई ग्रोइंग अप डेज एक ही आदमी को मैं देखता था, वो दैट वाज सिल्वेस्टर स्टालोन. रॉकी के जितने सारे सीरीज हैं मैंने देखे, मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था और स्टालोन की वजह से एक्चुअली आई एम डूइंग फिल्म्स. आई लव इट. मी ग्रोइंग अप, आई ग्रो अप बीइंग वेरी इंस्पायर्ड बाय रेसलिंग, बाय WWE एंड नाउ बाय UFC. तो आजकल UFC में इतने फाइटर्स हैं जैसे सिल्वा, गोमेज, मैकग्रेगर. तो आई डोंट नो इफ पीपल नो अबाउट मैकग्रेगर. आई थिंक वो बहुत ज़्यादा फिट है. ही डज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मार्शल आर्ट्स एंड वेट ट्रेनिंग एंड फाइटिंग. सो आई थिंक MMA इज द न्यू वे ऑफ बीइंग फिट टुडे. ये वरुण ने सोचा कि हमें पूरा जिम मिलेगा बिकॉज ही एक्चुअली वॉन्टेड टू ट्रेन एवरीबडी वेरी सीरियसली. उसको ही हैड दिस इम्प्रेशन कि अगर पूरा जिम मिले तो हम लोग दोनों सारे जर्नलिस्ट को ट्रेन करेंगे ठीक तरीके से. But of course, we've got a nice area. हमें अच्छा लगा. I think Varun ने काफी सारे tips दिए to the girls. You are happy with the tips? Yes. See, all the girls love your tips. I think the idea was that जब हम लोग film के लिए train करते हैं and I think regularly आप लोग भी भाग दौड़ बहुत होती है. But still that means you should go to the gym. You still should go workout. अगर आप जितने भी थके हो, क्योंकि वर्किंग आउट शुडेंट टायर यू एक्चुअली, इट शुड रीजुविनेट यू. तो एंड वर्किंग आउट का यही मतलब नहीं है कि आप लोग डंबल उठा उठा के अपने आप को इंजर करें. एंड आई थिंक जॉन, जिसके पास इतने मसल्स है, ही इज समवन हु बिलीव्स इन वार्मिंग अप, वार्मिंग डाउन, क्योंकि आप इंजरीज अवॉइड कर सकते हैं.